श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जय सारा। नमस्ते दोस्तों, समाचार टीम में आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करते हैं। मैं समर राय फिर से आपके सामने एक बार हाजिर हो गया हूँ। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक को लेके, और वो है विंटेज कंप्रेसर। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि कुछ महीने से हम लोग उसन का जो मास्टरिंग टूल किट है, उस टूल किट के ऊपर हम लोग क्लास आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि उजन में बहुत सारे प्लगइन्स लगते हैं। तो हर एक प्लगइन्स का क्या क्या काम है और उसको कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, कैसे आप इस्तेमाल करेंगे, उसका फ़ायदा क्या है इस्तेमाल करने के बाद, ये सब हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे। तो ये है, देखिए, विंटेज कंप्रेशर यहाँ पे आपको मिलेगा। विंटेज कंप्रेशर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो विंटेज कंप्रेशर आपके सामने आ जाएगा। इसको चालू करने के लिए आपको ये वाला बटन दबाना है। जैसे आप दबाएंगे तो ये विंटेज जो कंप्रेशर जो है ये चालू हो जाएगा। बाईपास करते हुए जब हम लोग रखेंगे उसको, तो सुनिए एक बार। मैं इसको बाईपास कर रहा हूँ कंप्रेशर को, क्योंकि अभी कोई इफेक्ट यहाँ पे चालू नहीं किया, ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो इसको मैंने चालू किया, लेकिन बाईपास करके आपको सुनाऊंगा उसका टोनल क्वालिटी। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सपनों में मैं बह जाऊंगा, मुझको रोको, मैं बोला है तू आए तो दो पल साथ बिताए तो दिल के राज सुनाऊंगा, मुझको रोको, हाँ तुम रोको, पर हमको तुम रोको ना जब हम ऐसे खो ये जो विंटेज कंप्रेसर प्लगइन मैंने लिया है, इसको बिना चालू किए आपको सुनाया। अभी मैं इसको चालू करता हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो विंटेज कंप्रेसर चालू हो जाएगा। ये है आपका बायस लाइन, और आपका कंप्रेसिंग का जो इफेक्ट है, उस इफेक्ट का क्या ग्राफिक्स आता है, ये आपको यहाँ पे शो करेंगे। जैसे देखिए, नीचे जो सिग्नल रेस्पॉन्स रेट जो है 20 हर्ट्ज से लेकर अप टू 20 किलोहर्ट्ज तक, इसमें आपको एक मोड यहाँ पे दिखाई देगा। तीन मोड्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। एक है शार्प मोड, नंबर टू बैलेंस मोड, एंड नंबर टू स्मूथ मोड। वैसे आपको यहाँ पे एक जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट आपको नज़र आएगा। यहाँ पे आप इस प्रीसेट को चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद भी अपना पसंदीदा कुछ चीज़ बना सकते हैं आप। तो जैसे कि देखिए, मैं अभी फिलहाल आपको प्राइमरी जो स्टेज है वहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे अगर बैलेंस करेंगे तो ये जो 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 कंप्रेसर जो मोड है, ये एक बैलेंस मोड पे चलेगा। यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअली क्या होता है, देखिए यहाँ पे ए सिग्नल डिपेंडेंट ब्लेंड बिटवीन डायनेमिक्स एंड ओवरऑल बॉडी ऑफ द सिग्नल। तो ओवरऑल बॉडी ऑफ द सिग्नल, इसके साथ साथ ये पूरा सिग्नल को जो है इसको ब्लेंड करता है, बहुत बैलेंसली ये ब्लेंड करता है इसके साथ साथ, और ये शार्पली ब्लेंड करता है, ये स्मूथली ब्लेंड करता है। कुछ नहीं, देखिए, ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द बॉडी ऑफ द टोटल सिग्नल, ठीक है, ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द बॉडी ऑफ सिग्नल गिविंग ए लेस डायनेमिक बट फुलर साउंड। बराबर, लेस डायनेमिक साउंड आपको देगा लेकिन आपको फुलर साउंड देगा। लेकिन शार्प में क्या होगा, शार्प में क्या होता है, देखिए, ग्रेटर एम्फेसिस ऑन डायनेमिक ट्रांजियंट्स फॉर ए टाइट एंड परकसिव साउंड। जब आपके पास कुछ टाइट एंड परकसिव साउंड है आपका कंपोजिशन में, तो उस टाइम आपको ये शार्प मोड आपको यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर बैलेंस करेंगे, बैलेंस मोड अगर आप यूज़ करेंगे, तो ये दो ही, मतलब शार्प एंड स्मूथ, दोनों को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मैं इसका जो थ्रेशोल्ड लेवल है, क्योंकि कंप्रेसर आपको पता है कंप्रेसर में क्या क्या चीज़ रहता है, एक रहता है थ्रेशोल्ड लेवल, एक है अटैक लेवल, दूसरा होता है रिलीज लेवल, और उसके साथ साथ रहता है रेशियो। ओवरऑल जो कंप्रेसर जो काम कर रहा है उसका एक गेन स्विच भी रहता है, और यहाँ पे देखिए ऑटो बोल के एक चीज़ है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक गेन को एडजस्ट करता है। यहाँ पे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा, ऑटोमेटिकली एडजस्ट गेन टू कॉम्पेंसेट फॉर चेंजेस इन लेवल कॉस्ट बाय द कंप्रेशन प्रोसेस। इसका मतलब क्या है, जब भी आप कंप्रेशन करेंगे, ऑब्वियसली दूसरा जो इनपुट है वो इनपुट का आउटपुट लेवल थोड़ा कम हो जाएगा, तो
उस टाइम में जो कम होने वाला जो साउंड है उसको ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट करता है, इसलिए ऑटो में हम रखेंगे उसको। और साथ ही साथ हम यहाँ पे इसको चलाते हुए टेस्ट करेंगे कि कौन सा बैंड, कौन सा फ्रीक्वेंसी मेरे को कैसा कैसा डायनेमिक रेंज दे रहा है, और उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। चलिए पहले जाते हैं थ्रेशोल्ड में, गाना को चालू कीजिएगा और उसके बाद थ्रेशोल्ड। दोस्तों ये थ्रेशोल्ड को जब तभी आप एडजस्ट करेंगे जब आपका रेशियो आप पहले से तय कर देंगे। तो मान लीजिए मैं 2:1 ऐसा कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, कंप्रेसिंग एरिया से मतलब थ्रेशोल्ड लेवल से अगर 2 dB एक्सट्रीम हो जाता है तो 1 dB हमको वापस करता है। ऐसा ही एक रूल्स यहाँ पे है, कंप्रेसर के अंदर एक रूल्स ऐसा चलता है, जो थ्रेशोल्ड लेवल को बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड लेवल जो सिग्नल जाएगा अगर 2 dB जाएगा उसके हिसाब से 1 dB मेरे को देगा। अगर 4 dB जाएगा, ओवर 4 dB ओवर होता है तो उनमें से मेरे को 2:1 के हिसाब से जाएंगे तो मेरे को 2 dB वापस करेगा। तो वही सिस्टम मैं 2:1 ऐसे ही नॉर्मल हिसाब से मैं चलता हूँ और सुनता हूँ गाने का टोन कैसा लगता है मेरे को। चलिए दिल के राज सुनाऊंगा, मुझको रोको, हाँ तुम रोको। आपने गौर किया जब भी मैं 19 dB थ्रेशोल्ड किया है, यहाँ पे थ्रेशोल्ड को 19 dB में सेट किया है, सिग्नल लेवल जब 19 dB के ऊपर जा रहा है तभी जाके ये कंप्रेसर काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है कि जब जितना साउंड यहाँ पे ओवर डीबी हो रहा है मतलब ओवर फ्लो हो रहा है उसमें से मेरे को 1 dB दे रहा है, तो कितना कंप्रेसिंग हो रहा है। और यहाँ पे देखिएगा एक नीला सिग्नल आएगा, ब्लू कलर का सिग्नल आएगा कि वो कंप्रेस हो रहा है, कितने अमाउंट ऑफ कंप्रेस हो रहा है यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। देखिए सपनों में मैं बह जाऊंगा, मुझको रोको, मैं बोला है तू आए तो। अब ये जो बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड सिग्नल, जो सिग्नल जब जा रहा है उसका बियॉन्ड थ्रेशोल्ड सिग्नल को पार करके जो जा रहा है उसमें जितना सारे अमाउंट यहाँ पे वो उसको वापस कर रहा है और कंप्रेसर इतना फास्ट काम कर रहा है, तो ये बेसिकली डिपेंड करता है अटैक के ऊपर। तो अटैक जितना फास्ट होगा ये काम भी उतना फास्ट करेगा। जैसे मान लीजिए इसको मैंने 10 ms रखा है, 10 ms अटैक रेट रखा है मैंने, बराबर, तो बहुत ही फास्ट जैसे ही वो बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड लेवल जाएगा पटक से उसको पकड़ लेगा वो। देखिए अब देख रहे हैं बहुत ही फास्ट पकड़ रहा है उसको, लेकिन बात यहीं पे आता है जितना फास्ट पकड़ लेगा लेकिन उसको छोड़ साउंड वो वाला साउंड को छोड़ना भी तो है, अगर नहीं छोड़ेगा पकड़ के रखेगा तो साउंड तो दबा जैसा लगेगा ना, इसलिए जो रिलीज रेट है इसको भी आपको सेट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए 30 ms, यह 10 ms अटैक रेट और 30 ms इसको मैं रखता हूँ, रिलीज जो मिली सेकेंड है 30 ms रखता हूँ, तो कितना फास्ट 10 ms में वो पकड़ रहा है और 30 ms में वो छोड़ रहा है उसको, तो ऑब्वियसली क्या होगा साउंड। अगर इसको इस तरह से मतलब अटैक रेट जब 10 ms है और रिलीज को मैं अगर बहुत स्लो कर दिया होता तो एक्चुअली क्या होता, अटैक तो कर रहा है लेकिन छोड़ नहीं रहा, तो साउंड को थोड़ा सा मतलब दबा हुआ जैसा लगेगा आपको। देखिए की जगह में मैं और भी इसको सप्रेस कर रहा हूँ, मतलब थ्रेशोल्ड लेवल को और भी सेट कर रहा हूँ नीचे। देखिए छोड़ नहीं रहा है, देखिए ये साउंड में कुछ जैसा मतलब अजीब सा कुछ लग रहा है आपको सुनने को, क्रिस्टल क्लियर तो है ही नहीं, ऊपर से लग रहा है कि कुछ कोई दबा के रखा है उसको, तो ऐसा साउंड नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको 19 में रखा था, थ्रेशोल्ड 19 में रखा था और अटैक रेट जो है 10 ms और रिलीज को मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है, 30 ms रखा है, 10 ms में उसको रोकेगा और 30 ms में उसको छोड़ देगा, तो साउंड इस तरह से आपको सुनाई देंगे।
से लोरी वो सुना दे तो सपनों में मैं बह जाऊंगा मुझको रोको। मैं बोला है तू आए तो दो पल साथ बिताए। अभी हम लोग कहाँ पे आएंगे, ये जो गेन, क्योंकि जब आप उसको कंप्रेस कर रहे हैं ऑब्वियसली कुछ इनपुट गेन के साथ आउटपुट गेन का कुछ हेरा फेरी होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सब कुछ जो इनपुट लेवल एंड आउटपुट लेवल दोनों बराबर जीरो में है ना। देख लीजिए यहाँ पे, देखिए इनपुट गेन जो है उससे ज़्यादा आउटपुट लेवल है, जो इनपुट लेवल है उससे ज़्यादा आउटपुट लेवल है, तो ऑब्वियसली गेन को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो कैसे देखिए, से लोरी वो सुना दे तो सपनों में मैं बह जाऊंगा मुझको रोको। मैं बोला है तू आए तो। जब आप इस तरह से उसको बैलेंस करेंगे, इनपुट लेवल एंड आउटपुट लेवल को बैलेंस कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप साउंड को उसको कम कर रहे हैं। प्रोसेस होने के बाद इनपुट सिग्नल जैसे घुस रहा था, प्रोसेस होने के बाद उसका आउटपुट सिग्नल भी सेम होना चाहिए। उसमें क्या होगा, उसमें जब आप गेन स्टेजिंग कर रहे हैं सभी तरह का, तो उसमें आपका कोई भी एक साउंड का साउंड जो जो उसका जो SPL वो आपको खड़प नहीं सुनाएगा, मतलब फटा हुआ साउंड नहीं आएगा ऑब्वियसली, और साउंड अंडर कंट्रोल में रहेंगे। तो इसी हिसाब से आपको इसको एडजस्ट करना है, यहाँ पे देख के नहीं, यहाँ पे देख के आपको एडजस्ट करना है। देखिए दोनों को जीरो में रखिएगा, यहाँ से गेम को एडजस्ट कीजिए, तकरीबन एक ही जगह में है ऑलमोस्ट, ठीक। इसको भी देखिए -23.8, ये भी -25.2 ऐसा कुछ जा रहा है, देखिए है ना, 25 भी जा रहा है, 25 ये भी जा रहा है। तो एवरेजली आपको एक सेम स्टैंडर्ड में रहना पड़ेगा। अब इसको मैं वापस करता हूँ, देखिए वापस करता हूँ, तो एक अजीब सा टोन जो मैंने आपको पहले सुनाया था अभी वापस ऑफ कर रहा हूँ, मतलब ऑन कर दिया मैंने। आप यहां से भी इसको ऑफ कर सकते हैं, देखिए मैं यहां से ऑफ कर रहा हूँ इसको। ऐसा कुछ साउंड, उसके बाद देखिए ऐसा कुछ साउंड जो कंट्रोल साउंड है। कंट्रोल साउंड मतलब सबके सब जो बैंड बज रहा है, सबके सब बैंड लेकिन एक ही साथ सेम SPL में रिस्पॉन्स कर रहा है। तो इसको ऐसे ही करते हुए आपको फिर वही चीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है स्टीरियो का, दूसरा है मिड सेट का। तो ये जो आपको तो पहले ही बताया था कि स्टूडियो में जो होता है मिड में सेम सेटिंग होते हैं, मिड में देखिए मिड में मैं सेट किया तो सेम सेटिंग है, लेकिन जब भी मैं साइड में जाऊंगा साइड सिग्नल में उस पर लेकिन अलग अलग। तो साइड को मैं पहले सोलो करूंगा और साइड को मैं सुनूंगा। चलिए ये साइड सेक्शन, साइड में हमको लो बिल्कुल नहीं चाहिए, इसको मैं थोड़ा सा 100 Hz 110 Hz के आसपास मैं जाऊंगा, ठीक है। और इसका जो फ्रीक्वेंसी है थोड़ा सा मैं बूस्ट करूंगा, अभी देखिए इसका थ्रेशोल्ड लेवल सेम चीज है इसका। तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत जैसे कि बहुत स्पार्किंग नोट, जैसे कि शार्प नोट बहुत ज्यादा आपको रिस्पॉन्स देगा, क्योंकि साइड में परकसिव नोट ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है, इसीलिए मैंने ये जो मोड है ये मोड मैं शार्प में लाऊंगा, क्योंकि परकसिव साउंड के लिए ये आपको ये मोड आपको हेल्प करेगा। और इसका थ्रेशोल्ड लेवल कुछ हद तक मैं सेट करेंगे रेशियो सेट करने के बाद, और रेशियो को मैंने सेट करूंगा 3:1 पे, जैसे कि 3:1, ठीक है। 3 dB घुसेगा तभी जाके मेरे को 1 dB देगा। तो चलिए अभी इसका थ्रेशोल्ड सेट करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक हद तक वो जो कंप्रेसिंग हो रहा है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका अटैक रेट 20 सेकेंड्स मैं रखूँगा, 10 मिली सेकेंड्स
सेम चीज 10 मिलीसेकंड रखेंगे हम इसको, ठीक है 10 मिलीसेकंड रखेंगे अटैक, और रिलीज रखेंगे थोड़ा सा कम 35 के आसपास, इसका जो है ये मैं रिलीज रखा है और इसका अटैक रखा है 10 मिलीसेकंड्स। इसमें क्या है गेन ऑटो में है ठीक है, लेकिन आप देखिए इसका इनपुट लेकिन इतना है आउटपुट लेकिन बहुत कम, तब जगह आपको क्या करना पड़ेगा इस आउटपुट को गेन देना पड़ेगा थोड़ा सा गेन दीजिए थोड़ा सा, बहुत ज्यादा हो गया इसका मतलब कम होगा, 8.8 करेंगे तो तकरीबन दोनों इनपुट एंड आउटपुट दोनों बराबर है अभी, ठीक है इस हिसाब से आपको यहां पे एडजस्ट करना पड़ेगा। एक चीज गौर कीजिए, मैं यहां पे जब मिड साइड में था या स्टीरियो में था, जब मैंने स्टीरियो में था तो वहां पे मेरा जो गेन था वो -6.1 dB था, क्योंकि इनपुट के साथ आउटपुट मैं मैचिंग कर रहा था, लेकिन जब मैं मिड साइड का साइड में आया हूँ तब मेरे को ये जो गेन थोड़ा सा 8.8 dB बढ़ाना पड़ा, क्योंकि उसका सेटिंग कुछ अलग है और साउंड भी कुछ अलग अलग दे रहा है, इसीलिए अभी इसको मैं 16 उठा दूंगा और स्टूडियो में जाके सुनूंगा कि इसका इफेक्ट क्या आया है। देखिए सुनिए, सपनों में मैं बह जाऊंगा मुझको रोको, मैं बोला है तू आए, इसको मैं वापस करता हूँ बिल्कुल साथ बिताए तो दिल के राज सुनाऊंगा मुझको रोको। कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब जितने सारे बैंड्स यहाँ पे चल रहा है किसी के साथ कंट्रोल नहीं था, लेकिन जब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ तब जाके सब कुछ कंट्रोल में बज रहा है। देखिए आप चाहते हैं तो इसमें जो मिड फ्रीक्वेंसी है स्टूडियो फील्ड में उसको थोड़ा सा बूस्ट कर सकते हैं 2 kHz वाला, ऐसा कुछ। अब देखिए मैं इसको अगर बाईपास करता हूँ सिस्टम से, देखिए ऐसा कुछ साउंड, ठीक है जब हम फिर मैं ये प्लगइन्स को ऑन कर रहा हूँ, देखिए कंट्रोल में आ गया। आप इसको लाउड सुनेंगे तो ठीक ठाक सुनेंगे, कम भी सुनेंगे तो भी आप ठीक ठाक सुनेंगे। देखिए देख रहे हैं वो जो क्रैश सिंबल है, क्रैश सिंबल लेकिन कंट्रोल में है, जो भी है क्रैश सिंबल कभी वोकल को मतलब ओवरक्रोड नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप जब विंटेज कंप्रेसर को यूज़ करेंगे तो आपको सोच समझ के जो मिड साइड है उसको भी आपको चेक करना पड़ेगा, उसमें जितने सारे स्टूडियो फील्ड में भी आपको बहुत सारे बैंड्स को चेक करना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपको वहाँ पे थोड़ा चेंजेस डालने पड़ेंगे, थ्रेशोल्ड को उसी हिसाब से आप सेट कीजिएगा, ऑब्वियसली अटैक रेट एंड रिलीज रेट इसको ध्यान में रखते हुए रेशियो को सेट कीजिएगा। फाइनली जब आप आउटपुट देंगे तो इनपुट के लेवल के साथ आउटपुट लेवल ठीक ठाक मैच कर रहा है कि नहीं इसको देखते हुए अब इसको डालिएगा, तो ऑब्वियसली आपका साउंड प्रोफेशनल जैसे कि मतलब प्रोफेशनल क्वालिटी जैसा साउंड करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक मास्टरिंग करते वक्त, इसको बहुत ज़रूरी होता है ये वाला जो प्लगइन्स है, आप इसको ज़रूर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक दे दीजिए। तो मिलते हैं अगला टॉपिक लेके नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप लोग अपना अपना ख्याल रखना, नमस्ते जी।